तो अपना चैप्टर चल रहा था मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे अपन ने रोटेशन के बारे में पढ़ लिया, इसके अलावा अपन ने इफेक्ट ऑफ रोटेशन पढ़ लिए हैं, इसके अलावा अपन ने यही पढ़ लिया व्हाट विल हैपन इफ अर्थ डज नॉट रोटेट, कि अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करती है अपने एक्सिस पे तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी अपन पढ़ने वाले हैं रिवॉल्यूशन और सीजन्स के बारे में। द अर्थ मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, अपन जानते हैं इस चीज को अपन ने पहले ही पढ़ा है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करती है मूव करती है। दिस मोशन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन, तो जो ये मोशन है एलिप्टिकल जो ऑर्बिट में घूमने का मूव करने का, इसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि रोटेशन में क्या हो रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे एक ही जगह खुद घूम रही है, और जो रिवॉल्यूशन है उसमें क्या है, अर्थ एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसके अंदर सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और ध्यान रखना दोनों प्रोसेस हमेशा साथ साथ ही चलती रहती है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स, अब एक रिवॉल्यूशन पूरा होने में यानी कि पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक बार पूरा घूमने में 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय लगता है। टू इक्वलाइज द एक्स्ट्रा 6 आवर्स इन अ ईयर वी टेक ईच नॉर्मल ईयर टू बी ऑफ 365 डेज, अब जो यहाँ पे 365 के बाद जो यहाँ पे 6 आवर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसका क्या करते हैं अपन लोग, अब इसको अपन हर ईयर में नॉर्मली 365 डेज ही लेते हैं। अब क्या हो रहा है जो 6 आवर्स हैं वो अगर अपन चार बार काउंट ना करें तो वो बन जाता है 24 आवर्स, तो अब क्या हुआ एक दिन बढ़ गया, तो वही लिखा हुआ है एंड वी एड वन कंप्लीट डे एवरी फोर्थ ईयर एंड दैट ईयर हैज 366 डेज, और इस तरीके से अपन क्या करते हैं जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा है चार साल के बाद में उसको अपन हर चार साल के बाद में ऐड कर देते हैं जिसको अपन लीप ईयर कहते हैं, और इसमें डेज होते हैं 366। वापस रिपीट करता हूँ कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है एक बार घूम के आ रही है उसमें लग रहा है समय 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब अपन ने नॉर्मली क्या किया है, अपन एक साल के अंदर नॉर्मली मानते हैं 365 दिन हैं, तो अलग ही 6 घंटे एक्स्ट्रा भी, लेकिन अपन इसको काउंट नहीं कर रहे, कब तक काउंट नहीं कर रहे, 4 साल तक। अब 4 साल तक 6 घंटे होंगे तो 6 × 4 = 24 है, 24 आवर्स का एक दिन होता है, तो इस तरीके से अपन हर 4 साल बाद जो हमारा ईयर होता है 365 डेज का उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो ईयर होता है वो 366 डेज का हो जाता है, और इसको अपन बोलते हैं लीप ईयर। This is called a leap year. An extra day is added to a leap year in the month of February, making it of 29 days. अब जो ये अपन हर 4 साल के बाद 4वें साल में जो एक दिन extra add कर रहे हैं, वो अपन क्या करते हैं? वो अपन फरवरी के महीने में add करते हैं, और इसी वजह से फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। अगला अपना topic है seasons के बारे में। The change of seasons occur due to the revolution of Earth around the sun and tilt of its axis. कि जो हमारे पृथ्वी पे अलग अलग सीजन्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, वो आते हैं पृथ्वी के सूर्य के चारों और चक्कर लगाने में रिवॉल्यूशन लगाने के कारण, और साथ ही साथ इसका अपने एक्सिस पे जो टिल्टेड है यानी कि जो झुकी हुई है अपने एक्सिस पे उसके कारण। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। एज सीन इन द डायग्राम अबव ऑन 21 जून द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, अगर अपन बात करें 21 जून की तो 21 जून को जो सन की स्थिति होती है वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है कि जो नॉर्थ पोल होता है वो सूर्य की साइड टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। इस चीज को पढ़ते समय जो मैंने पिछले यानी कि एक दिन पहले जो तुमको फोटो भेजी है चैप्टर की पिक भेजी है उसमें एक डायग्राम बना हुआ है, उसको भी ध्यान से देखते जाना कि 21 जून को अगर अपन डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो नॉर्थ पोल है अर्थ का वो सूर्य की साइड क्या है झुका हुआ है। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस वजह से क्या होता है सूर्य की सीधी किरणें किस पे गिरती हैं, सीधी गिरती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स सोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड समर सोलस्टिस। तो जो
कंडीशन बन रही है, जो पोजीशन बन रही है अर्थ की, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं समर सोलस्टिस। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दस है समर विद जून फर्स्ट 21st बीइंग अ लॉन्गेस्ट डे। और इस तरीके से इस समय क्या होता है, इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी वाला मौसम होता है, साथ ही साथ 21st ऑफ जून को क्या होता है, यहाँ का सबसे बड़ा दिन होता है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस समय क्या होता है, लॉन्गर डेज, दिन तो बड़े देखता है, यानी यहाँ पे दिन बड़े होते हैं और रातें जो होती हैं वो छोटी होती हैं। इन दिस पीरियड रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ ओनली डेलाइट एंड नो नाइट। और क्या होता है, इसी समय पे 21st वाली जो पोजीशन है, 21st जून वाली पोजीशन, उस समय पे क्या होता है, जो रीजन होता है, कहां का, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन होता है वो क्या होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेलाइट होती है, रात का समय नहीं होता है, वहां सिर्फ दिन होता है। द सदर्न हेमिस्फीयर मीनवाइल एक्सपीरियंसेस विंटर वेयर नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। और उसी समय पे अगर अपन बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है सर्दियां, साथ ही साथ वहां पे क्या होता है, वहां पे जो रातें होती हैं वो होती हैं बड़ी और दिन जो होते हैं वो होते हैं छोटे। On December 22nd, the South Pole is tilted towards the sun and the sun rays now fall directly on the Tropic of Capricorn. अब क्या होता है, 22nd of December को सिचुएशन होती है चेंज, और चेंज होती है तो अब क्या होता है, अब जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल कर रही है किस पे, Tropic of Capricorn पे। The position of Earth is called winter solstice and the southern hemisphere now has summer season with December 22nd being the longest day. तो जो अपनी ये अभी नई पोजीशन बन रही है 22nd of December को, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंटर सोलस्टिस। और साथ ही साथ अब क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे गर्मी का मौसम है, और साथ ही साथ 22nd of December को क्या है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा। इट एक्सपीरियंसेस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। इस तरीके से यहाँ पे क्या ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पर दिन जो दिन होंगे वो तो बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। एट प्लेसेस साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल ओनली डेलाइट एग्जिस्ट विद नो नाइट। और इस समय पे जो अंटार्कटिक सर्कल है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेलाइट एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे रातें नहीं होती हैं इस समय में। In the northern hemisphere, meanwhile, there is winter and thus nights are longer while days are shorter. और ठीक इसी समय पे क्या हो रहा है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पे तो है फिलहाल विंटर का सीजन, और साथ ही साथ रातें बड़ी हैं दिन छोटे हैं। 3 months after summer solstice, when overhead sun rays transit from northern to southern hemisphere, the sun rays are overhead on the equator. अब अगर अपन बात करें 3 महीने बाद की, समर सोलस्टिस के 3 महीने बाद की, तो क्या होता है, when overhead sun rays transit from northern to southern hemisphere, जब सन रेज ट्रांजिट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, कहां से, नॉर्दर्न एरिया से सदर्न हेमिस्फीयर की साइड, द सन रेज आर ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। तो अब क्या होता है, सन रेज क्या करती हैं, इक्वेटर के भी ऊपर चली जाती हैं। एट दिस टाइम डे नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन ऑन द एंटायर अर्थ। अब जब ये जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली कहां पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। इक्वेटर पे पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दिस पोजिशन इज कॉल्ड ऑटोमिनल इक्विनॉक्स एंड इट फॉल्स ऑन 23rd सितंबर। और जो ये पोजिशन बन रही है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। और जो डे है कब बनता है, ये बनता है 23rd ऑफ सितंबर को। इन द सेम वे बिटवीन 22nd ऑफ दिसंबर एंड 21st ऑफ जून द पोजिशन ऑफ अर्थ 3 months आफ्टर विंटर सोल्स्टिस is similar to that of autumnal equinox. और same यही condition कब बनती है, ये बनती है 22 दिसंबर और 21 जून के बीच में, जब winter solstice के 3 महीने बाद same condition ऊपर वाली बनती है यहाँ पे भी। और when the overhead rays of sun are once again on the equator, अब जब वापस से अब क्या हो रहा है, rays सीधी सीधी पड़ रही है overhead, ऊपर से आती हुई कहाँ पे, equator पे, but the overhead sun rays now are in transition from southern to northern hemisphere. लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो transition हो रहा है वो southern to northern हो रहा है, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, direction change हो रही है, ऊपर वाले में northern to southern था। The position of Earth is called spring or vernal equinox and it occurs on 21st of March.
और जो पोजीशन है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स। साथ ही साथ ये 21st ऑफ मार्च को घटित होती है। तो इस तरीके से खत्म होता है अपना। थैंक यू।